इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया है। UAE और ओमान में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप में पहली बार DRS का इस्तेमाल किया जाएगा। ICC ने टूर्नामेंट में इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। ICC ने आगामी टूर्नामेंट के लिए जारी खेल के नियमों में DRS को भी शामिल किया, जिससे ये जानकारी सभी के सामने आई। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच खेला जाना है। ICC ने फील्ड अंपायर द्वारा खिलाड़ियों को आउट देने में होने वाली गलती को सुधारने के लिए DRS का नियम बनाया था। अगर फील्ड अंपायर फील्डिंग कर ही टीम के खिलाड़ियों की अपील को ठुकरा देता है और कप्तान को लगता है कि ये आउट दिया जाना चाहिए था, इसके बाद कप्तान DRS की मांग कर सकता है, जिसके बाद फैसला TV अंपायर के पास जाता है। रिप्ले देखने के बाद TV अंपायर ये फैसला करते हैं कि खिलाड़ी आउट है या नहीं। इसी तरह से अगर बल्लेबाजी कर रही टीम को भी लगता है कि अंपायर ने उसे गलत आउट दिया है तो वो भी DRS की मांग कर सकता है। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में कभी DRS का इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिरी बार साल 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप खेला गया था तब इस फॉर्मेट में DRS का इस्तेमाल नहीं किया गया। DRS का किसी ICC T20 टूर्नामेंट में पहली बार वेस्टइंडीज में खेले गए विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2018 में किया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2020 में खेले गए महिला T20 वर्ल्ड कप में भी इसका इस्तेमाल किया गया था।